नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश को अगर आज एक दूसरे का पर्याय कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि गोरखपुर से निकले इस योगी ने वो कर दिखाया जो आज तक यूपी के इतिहास में किसी ने नहीं किया। 5 साल का कार्यकाल तो पूरा किया ही, लेकिन साथ ही साथ दोबारा पार्टी को प्रचंड जीत दिलाई। इसी के साथ योगी आदित्यनाथ ने उन तमाम आशंकाओं पर विराम लगा दिया जो कह रहे थे कि भैया योगी आदित्यनाथ दोबारा सत्ता में नहीं आएंगे। इसी के साथ ही इस जीत ने एक महंत के सत्ता सफलतापूर्वक चलाने का इनाम भी दिया। लेकिन आखिर कैसे एक योगी ने सत्ता के सिंहासन का सफर पूरा किया, कैसे गोरखपुर का महंत सत्ता के शिखर तक पहुंचा, इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। यूपी में तमाम एग्जिट पोल जैसा कह रहे थे वैसा ही हुआ। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने फिर से कमल खिला दिया। वही योगी आदित्यनाथ जिसे लोग कहते थे कि भैया ये तो महंत है, इनसे कहां राजपाट चलेगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने ना सिर्फ 5 साल राज चलाया बल्कि फिर से यूपी में कमल की सरकार बना दी। यूपी में फिर खिला कमल, यूपी का एक ही नारा, यूपी को बनाएंगे नंबर वन योगी। होली में भले ही अभी 7 दिन बाकी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस समय होली का माहौल है। हर ओर गुलाल उड़ रहा है, बीजेपी की जीत के बाद हर ओर जश्न का माहौल है। बीजेपी मुख्यालय से लेकर सड़क तक हर तरफ सिर्फ और सिर्फ योगी योगी के नारे गूंज रहे हैं। पूरा प्रदेश योगीमय हो गया है। बीजेपी की इस ऐतिहासिक जीत के बाद साफ है कि योगी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े चेहरे बन गए हैं और बीजेपी में भी उनका कद बढ़ गया है। कार्यकर्ताओं के इस जश्न में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जुड़ना तो लाजमी था और हुआ भी कुछ ऐसा ही। लखनऊ में बीजेपी मुख्यालय पर सीएम योगी का शानदार स्वागत किया गया और जहां सीएम योगी का गुलाल लगाकर उनके साथी मंत्रियों और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि यूपी के वोटर की आशाओं को पूरा कर यूपी को नंबर वन बनाना है। विकास और सुशासन के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को जो प्रचंड बहुमत जनता जनार्दन ने दिया है, हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि इस पर हमें फिर से खड़ा उतरना ही होगा। और इस जिससे एक बार में फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न होने और जनता जनार्दन ने जो इसमें व्यापक अपना समर्थन दिया है, चुनाव के प्रति हमने देखा है खासतौर पर आधी आबादी माताओं ने, बहनों ने, बेटियों ने आगे आकर के भारतीय जनता पार्टी को जो प्रचंड बहुमत दिया है अपने सहयोगियों के साथ में, आज इसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाने जा रही, उत्तर प्रदेश के अंदर इतिहास बनाने की ओर अग्रसर है। सुबह जैसे ही बैलेट पेपर खुले तो बीजेपी ने बढ़त बना ली। इसके बाद ईवीएम खुली और ये बढ़त बढ़ती चली गई। जैसे जैसे सूरज चढ़ा बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया और फिर क्या था, बीजेपी का रथ रुका ही नहीं। बीजेपी के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा राजधानी लखनऊ में लग गया और हर ओर सिर्फ बधाई संदेश सुनने को मिले। देखिए, कई दशकों के बाद कोई सरकार का रिपीटेशन हुआ है और मैं समझता हूँ कि अपनी क्रियाशीलता, केंद्र और प्रदेश सरकार का बेहतर समन्वय, आम आवाम की जो विकास योजनाएं हैं उनको घर तक पहुँचाने की प्रक्रिया और योगी जी और मोदी जी का तपस्वी जीवन व्रत कि सारा कुछ समाज को समर्पित कर दिया। ये सारे ऐसे थे जिसमें हमारे देव तुल्य कार्यकर्ता और हमारी देवतुल्य जनता ने इस प्रक्रिया को, विकास की जो गतिविधि थी उसको स्वीकार किया कि विकास और तेजी से बढ़े। अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि मोदी जी, योगी जी ने वो कर दिखाया जो 40 वर्षों में कोई नहीं कर पाया, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कमल खिला कर दिखाया।
मैं विकास की राष्ट्रनीति को भारतीय जनता पार्टी की अभूतपूर्व विजय के लिए विशेष इसका उल्लेख करते हुए कि प्रधानमंत्री जी जब कैंपेन में थे तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के नागरिकों से कहा कि वोट बैंक पॉलिटिक्स का तिरस्कार होना चाहिए, परिवारवाद का तिरस्कार होना चाहिए। जनता ने उनके निवेदन को स्वीकारा और एक अभूतपूर्व जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए सुनिश्चित की, जिसके लिए मैं जनता के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ और अपनी पार्टी का विशेष अभिनंदन करती हूँ। वहीं लोग योगी और मोदी के नारे लगाते हुए नजर आए। और तो और, बीजेपी कार्यकर्ता यूपी में काबा, यूपी में बाबा के नारे लगाते रहे। जनतंत्र टीवी ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम राजनीतिक तूफानों को मात देते हुए प्रदेश की सियासत में इतिहास रच दिया है। विधानसभा चुनावों में प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करने वाले सीएम योगी एक बार फिर सत्ता में वापसी कर रहे हैं। आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में 37 साल बाद कोई मुख्यमंत्री दोबारा से मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। कौन है वो, कौन है वो, कहां से वो आया, चारों दिशाओं में योगी ही यूपी के लिए उपयोगी। फिर एक बार यूपी में योगी सरकार। योगी की ललकार विपक्ष का हुआ सुपड़ा सा। एक योगी जो फिर बन गया यूपी का नाथ। सत्ता के शिखर पर पहुंचा सन्यासी। अजय सिंह से आदित्यनाथ तक योगी ने रच दिया इतिहास। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्य रखूंगा। 2017 की ये तस्वीर हर किसी को याद होगी और एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ यही तस्वीर और यही दौर दोहराने जा रहे हैं। सत्ता के शिखर पर 5 साल काबिज रहने के बाद अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साबित कर दिया कि वो कर्मयोगी है। 37 साल में यूपी में जो किसी ने नहीं किया वो भगवा पहनने वाले बाबा बुलडोजर ने कर दिखाया। जहां चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही थी, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिखा दिया कि दूर दूर तक उन्हें हराने वाला कोई नहीं है। और ऐसे ही फिर से एक योगी यूपी का नाथ बन गया। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे अपराधियों के खिलाफ जोरदार कार्रवाई करके बुलडोजर बाबा बन चुके योगी आदित्यनाथ ने इस जीत के साथ न केवल विपक्ष का सुपड़ा साफ किया बल्कि पार्टी के अंदर अपने विरोधियों की भी बोलती बंद कर दी। बता दें कि बीजेपी को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रमुख और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने आरएलडी समेत कुल 10 दलों से गठबंधन किया था, लेकिन उनका ये एक्सपेरिमेंट सफल साबित नहीं हुआ। सपा गठबंधन को जिस वेस्टर्न यूपी बेल्ट में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी, वहाँ भी उम्मीद के मुताबिक कामयाबी नहीं मिल पाई और बीजेपी ने एक बार फिर से अपने दम पर प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की। उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के साथ ही योगी आदित्यनाथ पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन जाएंगे जो 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा सत्ता में आ रहे हैं। यूपी के इतिहास में अब तक ऐसा नहीं हुआ था। इससे पहले यूपी में कई मुख्यमंत्री दोबारा सत्ता में आ चुके हैं, लेकिन उनमें से किसी ने भी पहले 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया था। 2003 के बाद ये पहला मौका है जब विधायक बनने के बाद कोई नेता मुख्यमंत्री बनेगा। इससे पहले 2003 मुलायम सिंह यादव विधायक बनने के बाद मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद मायावती, अखिलेश यादव और खुद योगी आदित्यनाथ विधान परिषद के जरिए ही मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे थे। मुख्यमंत्री बनने के साथ ही योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा मिथक भी तोड़ा, जिसमें कहा जाता है कि नोएडा जाने वाले मुख्यमंत्री की सत्ता में वापसी नहीं होती। इसी वजह से कई मुख्यमंत्री तो नोएडा जाने से बचते रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो कई बार नोएडा गए और इस बड़े मिथक को तोड़ने का काम किया। हालांकि इतनी प्रचंड जीत के बाद यूपी में एम वाई फैक्टर
यानी कि योगी मोदी फैक्टर का जादू भी चलता दिख रहा है और एक बार फिर से साबित हो गया कि यूपी के लिए योगी ही उपयोगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल कर ली है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सत्ता में वापसी करने जा रहे हैं और सत्ता में वापसी करने के साथ साथ बाबा योगी ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लेकिन बाबा बुलडोजर के जीत की प्रमुख कारण क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। योगी ने रचा इतिहास, बड़े बड़े समीकरणों को किया ध्वस्त। बुलडोजर बाबा की जीत के बड़े कारण, मोदी योगी की जोड़ी ने किया कमाल। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जीत ने बड़े बड़े सियासी समीकरणों और विपक्ष के दावों को न सिर्फ ध्वस्त कर दिया बल्कि साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश में योगी से बढ़कर शायद ही कोई अहमियत रखता है। योगी आदित्यनाथ, जिनकी 2017 से पहले तक छवि सिर्फ एक हिंदूवादी और गोरखपुर मठ के महंत के तौर पर सीमित थी, उन्होंने 5 साल में अपने आप को इतना बड़ा बना लिया कि उन्होंने इतिहास बदल दिया। उत्तर प्रदेश में 1985 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जब कोई सरकार वापसी कर रही है। 37 साल बाद बन रहे इस रिकॉर्ड के पीछे कई अहम कारण हैं। यूपी विधानसभा चुनाव को 2024 लोकसभा चुनाव के लिहाज से सेमीफाइनल करार दिया जा रहा था और अब जब यूपी में योगी सरकार इतिहास रच रही है तो ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि इसके पीछे का कारण आखिर है क्या। सख्त सरकार की छवि। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सत्ता में वापसी कर रहे हैं तो इसके पीछे कारण है उनकी सख्त सरकार वाली इमेज। चुनाव में बीजेपी योगी सरकार की सुशासन वाली छवि को मुख्य मुद्दा बनाकर वोटरों के बीच ले जाने में सफल रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति और कार्रवाई ने उनको एक बड़े वर्ग के बीच लोकप्रिय बना दिया। चुनावी रण में बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने सपा सरकार से योगी सरकार के समय की तुलना कर जनता के बीच मैसेज देने का काम किया। 80 बनाम 20 का कार्ड। उत्तर प्रदेश में सत्ता में वापसी करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ध्रुवीकरण की सियासत के धुरंधर हैं। योगी आदित्यनाथ की 80 बनाम 20% के बयान से ऐसा माहौल बना कि बीजेपी फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में काबिज हो गई। योगी हर रैली और हर मंच से यही कहते नजर आए कि इस चुनाव में 80% वोट बीजेपी का है और बाकी 20% सपा और बाकी विपक्ष का है। योगी लगभग हर मंच पर ये कह रहे थे कि 80% समर्थक एक तरफ होगा तो वहीं 20% दूसरी तरफ होगा। मुझे लगता है कि 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे और 20% हमेशा विरोध करता रहेगा। मोदी योगी की जोड़ी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की वापसी का सबसे बड़ा कारण मोदी और योगी की डबल इंजन वाली सरकार का बीजेपी का नारा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश चुनाव में 2 दर्जन से ज्यादा सभाएं और रोड शो किया तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 179 चुनावी सभाएं कर अपनी सरकार के कामकाज को जनता तक पहुंचाया। योगी की ईमानदार छवि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बेदाग छवि और सादगीपूर्ण जीवन उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सबसे बड़ा चुनाव हथियार बना। भगवा वस्त्र पहने योगी की दिनचर्या से लेकर उनके राजनीति करने के तरीके ने एक बड़े वोट बैंक साधने का काम किया जिसका फायदा बीजेपी को चुनाव में मिला। इसके साथ ही एक योगी के रूप में मुख्यमंत्री की छवि उत्तर प्रदेश की एक बड़ी आबादी को आकर्षित करती है। केंद्र सरकार की योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास, राशन, आयुष्मान भारत, किसान सम्मान निधि, पीएम स्वनिधि योजना,
उज्ज्वला 2.0, बिजली कनेक्शन, मुद्रा लोन समेत व्यापारियों, महिलाओं और समाज के अन्य वर्गों के लिए लागू की गई योजनाएं शामिल हैं। योगी का बुलडोजर और कानून व्यवस्था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इनका सफल क्रियान्वयन और कानून व्यवस्था का मुद्दा भी प्रमुख रहा। बड़े नेताओं का असर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पिछले 6 महीने से बीजेपी की पूरी मशीनरी लगी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत पार्टी के सभी प्रमुख नेताओं को मैदान में उतारा गया। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा ने पूरे प्रदेश में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया। इसके साथ ही जिलों में विधानसभा स्तर तक बनी चुनाव संचालन समितियों के माध्यम से बीजेपी ने हर बूथ स्तर तक की निगरानी सुनिश्चित की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी सरकार ने राजनीति में परिवारवाद और गुंडागर्दी को मुख्य मुद्दा बनाया और सपा ने जिन दागी चेहरों को टिकट दिए उनका हर रैली में नाम लेकर लोगों को 5 साल पहले वाले दिनों की दुहाई दी। यूपी में दोबारा से एक सन्यासी को सत्ता मिल गई है और पूरा यूपी योगी योगी कर रहा है। बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों को सीटें मिली। गोरखपुर से दिल्ली योगी का सफर कैसे तय हुआ और कैसे 2006 में संसद में योगी के आंसू निकले, देखिए रिपोर्ट। जब संसद में फूट फूट कर रोए थे योगी आदित्यनाथ, गोरखपुर से सांसद थे सीएम योगी। गोरखपुर में दंगों का योगी पर था आरोप। 11 दिन जेल में रहे थे योगी आदित्यनाथ। एक सन्यासी सत्ता के शिखर तक कैसे पहुंचता है, इसका उदाहरण योगी आदित्यनाथ है। वैसे तो योगी आदित्यनाथ किसी पहचान के मोहताज नहीं है। देश का बच्चा बच्चा योगी आदित्यनाथ को जानता है, लेकिन उनकी जिंदगी के कई पहलू ऐसे हैं जो कोई लोग नहीं जानते हैं। जिस योगी आदित्यनाथ की आज एक ईमानदार छवि है, उन्हीं योगी आदित्यनाथ पर एक बार गंभीर आरोप लगे थे। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार लोकसभा में यूपी पुलिस की बर्बरता का वर्णन करते हुए रो पड़े थे। मुखर नेताओं में गिने जाने वाले योगी आदित्यनाथ लोकसभा में जोर जोर से रोने लगे थे। साल 2006 में लोकसभा में पुलिस की प्रताड़ना का जिक्र करते हुए योगी रोने लगे थे। तब मुलायम सिंह यादव यूपी के सीएम थे। साल 2006 में गोरखपुर से बीजेपी सांसद जब संसद में फूट फूट कर रोए थे, योगी आदित्यनाथ अपनी बात रखने के लिए लोकसभा अध्यक्ष से विशेष अनुमति मांग रहे थे। तब पूर्वांचल के कई कस्बों में सांप्रदायिक हिंसा फैली थी। जब आदित्यनाथ अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए तो फूट फूट कर रोने लगे। कुछ देर तक वो कुछ बोल ही नहीं पाए और जब बोले तो कहा कि उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रही है और उन्हें जान का खतरा है। उस समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूँ, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूँ या नहीं हूँ और क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी से योगी ने बताया था कि गोरखपुर जाते हुए उन्हें शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया और जिस मामले में उन्हें सिर्फ 12 घंटे बंद रखा जा सकता था, उस मामले में 11 दिन जेल में रखा गया। इसकी शुरुआत पूर्वांचल के आजमगढ़ के छात्र नेता रह चुके अजीत सिंह की हत्या किए जाने के बाद हुई थी। बताया जा रहा है कि आजमगढ़ में अजीत सिंह के 13वीं वाले दिन योगी आदित्यनाथ अपने काफिले के साथ कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे, तभी रास्ते में तकिया गाँव में योगी के काफिले पर हमला कर दिया गया था। इस हमले में योगी पूरी तरह से घिर गए थे। योगी के कई समर्थक लहूलुहान हो गए थे। योगी की जान बचाने के लिए उनके अंगरक्षक को फायरिंग करनी पड़ी। फायरिंग के दौरान हमलावर भीड़ में से एक युवक की मौत हो गई थी। उसके बाद आजमगढ़ और आसपास के इलाकों में इस मामले में सांप्रदायिक रंग ले लिया था। इस घटना के बाद योगी के समर्थकों और उनके ऊपर कई मुकदमे हुए थे। उस समय पुलिस ने PAC लगवा कर कई बार योगी के ठिकानों पर दबिश देना शुरू कर दिया था। यही नहीं, योगी के समर्थकों को बड़ी संख्या में जेल भेजा गया था। योगी समर्थक पुलिस के डर से अपना गांव छोड़कर पलायन कर गए थे। तब योगी ने अपनी पीड़ा लोकसभा में रखी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।
इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अपन रहे हमारे साथ, नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।